दोस्तों पठान मूवी तो सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट हो ही गई, लेकिन जब मैं मूवी देख रही थी तो एक दो ग्लिचेस यानी कि मिस्टेक्स मुझे नजर आए। क्या आपको भी कुछ मिस्टेक्स नजर आए कमेंट में बताइएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं पठान मूवी में ऐसे क्या क्या बारीकी मिस्टेक्स दिखी। दोस्तों इस सीन में जॉन अब्राहम जो हॉट बन के अपना बॉडी शो ऑफ कर रहे हैं, पर मुझे क्यों लग रहा है यहाँ पर एब्स को डिफाइन करने के लिए थोड़ा सा ब्राउन कॉन्टूअर या कह लो ब्लश लगाया गया है। और दोस्तों इसमें तो शाहरुख खान हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, वो भी एक रूम के अंदर। भाई अभी तक तो पता था कि हेलीकॉप्टर की उड़ान भरने के लिए ओपन स्पेसेस चाहिए, लेकिन शायद हमारे पठान भैया के हेलीकॉप्टर कुछ ज्यादा ही एडवांस है। अगर इंडोर हेलीकॉप्टर ऑन करे तो देखो ऐसी हालत हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि एक के बाद एक गाड़ियां आना जाना कर रही है, लेकिन जॉन अब्राहम जैसे ही रोड पे खड़े होकर मिसाइल छोड़ते हैं तो मिसाइल जाके सिर्फ एक ही गाड़ी को लगती है और आसपास के पीछे के सारे गाड़ियां गायब हो जाती है। शायद उन सबको भनक लग गया होगा नहीं कि पठान मूवी के विलेन का एंट्री हो गया है, तो भैया यहाँ से कट लो। और वो छोड़ो, गाड़ी तो अंदर से खाली थी। अब अगर गाड़ी अंदर से खाली थी तो गाड़ी चला कौन रहा था। और तो और जब जिम मिसाइल छोड़ रहा है तो वो देखो वो ज़ीब्रा क्रॉसिंग टाइप के लाइंस के ऊपर खड़ा है, लेकिन इस एंगल से फिर से देखें तो वो तो पीछे खड़ा है लाइन के। और जब साइड से कैमरा एंगल किया गया है अब तो दिख रहा है कि जिम भैया लाइंस के आगे खड़े है। थोड़ा सा एडिटिंग में गड़बड़ी हो गई नहीं। अब बड़ी गौर करने की बात है, जब भी पठान भाई दीपिका पादुकोण को देखने के लिए आ रहे हैं तो वो बार बार सनग्लासेस पहन के क्यों आ रहे। कहीं इसलिए तो नहीं कि लोगों को पता नहीं चले कि वो दीपिका पादुकोण को सिर्फ देख रहे हैं या पीछे सारे गोरी मेमो को। अब दीपिका पादुकोण इतना स्टाइलिश वाला ड्रेस पहन के इतना सब स्टंट्स कैसे कर ले रही है, ये तो सोचने वाली बात है, जबकि इतने हट्टे कट्टे मुस्टंडे भी उसको मात नहीं दे पा रहे हैं। और तो पठान भैया क्या कर रहे हैं, साइड में खड़े होकर इस फाइटिंग सीन का मजा ले रहे हैं। और तो और गौर से देखिएगा तो ये दीपिका पादुकोण तो है ही नहीं, क्योंकि दीपिका के पास इतने बड़े बड़े इयररिंग्स है। इस फाइटिंग सीन में दीपिका का बॉडी डबल यूज किया गया है। इस सीन में पठान की हाइट जिम के नाक बराबर है, लेकिन जब पठान भाई जिम को किक मारते हैं तो उनका कद तो जॉन अब्राहम से बड़ा हो जाता है। इस सीन में पठान भैया इस आदमी को धो डाल रहे हैं, लेकिन पीछे जितने भी चिरकुट लड़के खड़े हुए हैं वो बस तमाशा देख रहे हैं। यहाँ पर तो सल्लू भाई भी आ गए पठान भाई को बचाने के लिए। फिर ये सारे भारे के टट्टू अपने मास्टर को क्यों नहीं बचाए। अब दीपिका जब भी सेक्सी वॉक में आ रही है तो हर बार हाई हील्स पहन के आ रही है, लेकिन ये देखो जब भी डांस हो रहा है दीपिका तो एकदम फ्लैट्स पहने हुए है। तो क्या हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि शायद दीपिका को हील्स में डांस नहीं आता, या फिर पठान भाई के हाइट को मैच करने के लिए उसको फ्लैट्स पहना दिया गया। जब एक्टर्स उछल उछल के फाइट कर रहे हैं तो अब अंदर में वाइट बनियान साफ दिख रहा है, लेकिन जब फेस और चेस्ट में कैमरा जूम इन कर रहे हैं तब देखो बनियान हो जाता है गायब। इस सीन में पठान भाई जब बाइक में आ रहे हैं और पीछे बॉम्ब फेंकते हैं, बाइक जब कार के ऊपर से उछाल रहे हैं तो बाइक को दोनों हाथों से कस के जकड़े हुए है, लेकिन जैसे ही बॉम्ब फेंकने की बारी आई तो कैसे बड़े आसानी से हाथ छोड़ के ही बॉम्ब गिरा दिया। लेकिन सबसे कंफ्यूजिंग बात यह है यहाँ पर तीन बॉम्ब का जगह है, और अगर एक बॉम्ब पीछे फेंक दिया तो यहाँ पर फिर से तीन बॉम्ब रिप्लेनिश कैसे हो गए। अब दीपिका पादुकोण जब ऐसे एंगल में खड़ी है तो आप देख सकते हो पीछे कुछ भी नहीं है आइलैंड में, लेकिन जब इस एंगल में दिखा रहे हैं वीडियो तो वहाँ पर तो पीछे लोगों की टोली मौजूद है जो पार्टी मना रहे हैं। अब क्या आप लोगों को लग रहा है शाहरुख भाई बॉडी सूट पहने हुए है। अरे बिल्कुल नहीं, ये तो उनका महीनों का जिम में हार्ड वर्क का नतीजा है। माना दोस्तों कुछ कुछ मिस्टेक्स हमने निकाले हैं, लेकिन हर चीज में मिस्टेक नहीं होती। अगर आपको भी कुछ मिस्टेक नजर आया है इस मूवी में तो कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन ओवरऑल मूवी का एक्शन सीन और एक्टिंग टू द पॉइंट लगा मुझे। ऐसे अच्छे मजेदार रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।